ऐसे हम पटुनिया जो हमारी ख़राब हुई है पटुनिया उसका काम कर रहे हैं, और पटुनिया ये 6 कटुनिया है जो हमारी बिल्कुल लगने के बाद ख़राब हुई है। इसमें सारी मिट्टी हम निकाल के दोबारा मिक्स करके, इसमें और कुछ मिला है फायदा नहीं है, इसी मिट्टी को ना हाथ से ऐसे से पूरा करके तब जाकर सारी मिट्टी मिक्स हो जाएगी, फिर लगाते हैं। देखिए पानी ही रुक रहा है, पानी रुक रहा है, पानी तो दिया ही नहीं उस समय से, औरों में नहीं रुका होगा, देखो पानी एक में आपको लग रहा होगा, ये देखिए पानी आजकल कम पड़ता है, देखो और पौधे देखो सारा पानी रुक रहा है, बट इसके होल तो सारे अच्छे हैं, ये देखो होल तो है, इसे कैसे हो सकता है। सारे हम खाली कर देते हैं, तो होल्स भी प्रॉपर बना रखे हमने कोई, ये तो है नहीं, और आजकल में पानी भी कम ही पड़ता है, होल तो देखो कितने अच्छे होल्स बने, आप खुद देखो होल तो है ये, अभी पानी रुक गया है, क्या चक्कर है, नीचे पत्थर उत्थर कुछ डालें दोबारा से है? कुछ वो डाल गोल डाल दे, घड़े के टुकड़े छोटे हाँ। घड़े के टुकड़े हाँ। ऐसे करते हैं, बताती हूँ इस बार हम ऐसे करते हैं कि इसमें ना कुछ घड़े हमारे पास छोटे छोटे आ जाते हैं ना भूजा के, देखिए इनको हम तोड़ के नीचे डालते हैं और फिर देखते हैं कि देखिए बड़े रुक जाओ, ये सब टुकड़े डालो नीचे फिर देखो इसको तोड़ लेते हैं पूजा के पड़े, खूब अच्छे से डाल दो नीचे नीचे और फिर इसकी मिट्टी तैयार करते हैं, ये लो ज्यादा था ना, ये खड़े तो और भी है छोटे रखती सीधे ही हूँ, और लाओ और लाओ क्या नहीं है, ये सारे डाल सारे एक थोड़ा बड़े टुकड़े और अब इसमें मिट्टी भर रहे हैं, फिर दोबारा से हम पटुनिया नया खरीद के लाए हैं, देखिए इतनी 6 पटुनिया लाए हैं खरीद के, इसमें लगाएंगे सब सिंगल है, डबल वाली नहीं है ना वही तो तरीके से हम सारे कमरे जो हमारे 6 के 6 खराब हुए हैं ना, पटुनिया खराब हुआ है डर रहे हैं, बहुत अच्छी हुई है, इससे ये जो 6-7 पटुनिया ना हमारी बालकनी गार्डन की ख़राब हुई है, और आज मैंने सोचा कि इसको बदल दें, और देखिए हमारा डहलिया भी कितना अच्छा हो रहा है, देखिए पटुनिया तरीके से हम सारी बालकनी गार्डन सारी पटुनिया हमारी तैयार हुई है, इतनी मिट्टी हमारी बची गई, तो मिट्टी हमारी गीला था इसलिए बच गया है ना, मिट्टी हमारी गीली थी, हमारी हमारे पौधे सूखने का कारण था कि हमारी पानी जो है निकल नहीं रहा था, ठहर रहा था वहीं पे,
अभी देखते हैं दोबारा से। हमने सारे घड़े के टुकड़े से डाले हैं, तोड़ तोड़ के टुकड़े, और फिर देखते हैं। छह पटुनियाँ दोबारा लगाई गई हैं और मिट्टी इतनी सारी बच गई है, इसको रख देंगे। इस मिट्टी को यही रहने देना बालकनी में, हाँ कहीं पे, क्योंकि इधर के लिए हमारे काम आएगी बालकनी गार्डन के लिए ना। मिट्टी उस खाद ही खाद लाएंगे, ये तो मिट्टी खाद ऑलरेडी मिक्स है। और ये वाले पत्ते भी रख देना, ये वाले, ये खाद बन जाएगी ना, ये वाले जो फूल के जो पुराने निकले ना, इनको भी इसी में डाल देना, ये हमारी सारी खाद बन जाएगी। इसे धो लेते ना, हाँ हल्का छिड़काव कर दो ऐसे करके, ये तो मिट्टी ऑलरेडी गीली है, थोड़ा थोड़ा पानी बस। कम से कम 15 दिन तक नहीं दीजिएगा पानी। हाँ पानी तो आजकल बहुत ही कम डाल रहा है इस पे, क्योंकि मैं पानी डालती नहीं हूँ, देखती हूँ मिट्टी जब दूर सूख जाती है उसके बाद देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में पानी की इतनी खपत नहीं होती है ना। इस बार तो सारा पानी निकल जाने लगा। हाँ क्योंकि अभी मिट्टी तो जैसे जैसे पानी डालेंगे वैसे मिट्टी बैठेगी, मालूम है मुझे, पानी सारा देखना नीचे अभी आ रहा है, इसलिए मैंने इसलिए बोला है कि इसको ऊपर नहीं रखना, ऊपर रखेंगे दीवारें पूरी गंदी हो जाएंगी, इसलिए मैं नीचे ही रखती हूँ पहले। देखिए चल और बस फ्रेंड्स, ये है कि हमने 6 पटुनियाँ अपनी चेंज की हैं, 2, 2, 4, 2, 6, बाकी देखते हैं अभी। पानी रुकने का कारण नहीं है, प्रॉपर इसमें छेद बने हुए हैं, और पता नहीं फ्रेंड्स मेरी बालकनी में इस बार पटुनिया ने थोड़ा सा धोखा सा दे दिया है मेरे को, बाकी तो ऊपर तो अच्छी चल रही है टेरेस गार्डन में, यहीं पे कुछ हुआ है। चलो देखते हैं, बस इतना सा वीडियो देना था, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।